हनुमान के मित्रों को बंधक बनाने वाले कौन हैं आप? प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होइए, अन्यथा अपने मित्रों की रक्षा के लिए हनुमान इस वन के समस्त वृक्षों को उखाड़ने पर बाध्य हो जाएगा। आप जो भी हैं, हनुमान का प्रणाम स्वीकार कीजिए। कल्याण हो वत्स। वानर होने पर भी आपके इस शिष्टाचार पूर्ण आचरण की मैं सराहना करती हूँ, परंतु आप मेरे वृक्षों को क्षति क्यों पहुंचा रहे हैं? अपने मित्रों को संकट मुक्त करने के लिए देवी। परंतु वो तो इसी योग्य है, वो मेरी अनुमति के बिना मेरे वृक्षों के फलों को अपना आहार बना रहे थे, और अब दंड स्वरूप मेरे वृक्षों का उनको अपना भोजन बनाना सर्वथा उचित है। देवी, उनकी ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। 2 सप्ताह से भूख और प्यास से व्यथित यहाँ फलों को देखकर वो स्वयं को रोकने में असमर्थ हो गए। यदि ऐसा था तो आप उनके साथ सम्मिलित क्यों नहीं हुए? उसकी पूर्ति के पश्चात ही मैं कुछ ग्रहण करूंगा। क्या हुआ देवी, आप किस विचार में खो गईं? परंतु आप मेरे नाम से कैसे परिचित हैं? कौन है आप देवी? मैं स्वयं प्रभा हूँ हनुमान, इस स्थान की रक्षक, जिसका निर्माण बहुत समय पूर्व दानव मायासुर ने अपनी प्रियतमा अप्सरा हेमा के लिए किया था। इसीलिए ये स्थान उन्हीं देवी हेमा का है जिन्होंने मुझे यहाँ की रक्षा एवं रखरखाव के लिए नियुक्त किया है। मुझे अभी स्मरण हुआ, उन्होंने मुझे बताया था प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान अर्थात आपका यहाँ आगमन होगा और तब मुझे आपकी सहायता करनी होगी। तब हनुमान की सहायता करने में विलंब मत कीजिए माता, मुझे अपने मित्रों के साथ यहाँ से सुरक्षित जाने दीजिए, जिससे हम रावण द्वारा अपहृत प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी माता सीता को ढूंढ सकें। आपका दृढ़ निश्चय और कार्यनिष्ठ अत्यंत ही प्रशंसनीय है हनुमान, इसीलिए मैं आपके मित्रों को तत्काल ही मुक्त करती हूँ। आपका बहुत बहुत आभार देवी। आप सभी कुशल तो हैं? हाँ, हाँ, जी। मैंने आप सभी से कहा था ना कि इस उद्यान पर किसी का स्वामित्व है? ये वही हैं, इस स्थान की रक्षक देवी स्वयं प्रभा। प्रणाम देवी। हमें क्षमा करें माता, हनुमान जी ने हमें रोकने की बहुत चेष्टा की, परंतु भूख और प्यास से पीड़ित हम शिष्टाचार की सभी मर्यादाओं का उल्लंघन कर बैठे। परंतु ये तो आपका सौभाग्य है कि हनुमान जी आपके साथ हैं।
उनका अनुशासन, विचार क्षमता, सूझबूझ और शक्ति सदैव आपकी सहायता करेगी। हनुमान, मैं आपको आशीष देती हूँ, आप शीघ्र ही सीता माता को ढूंढने में सफल होंगे। धन्यवाद माता, आपके मुख से ये सुखद वचन सुनकर हनुमान धन्य हुआ। मैं भी आपके इस महान कार्य में छोटा सा भाग निभाने की इच्छुक हूँ। मैं आपको और आपके इस दल को ऐसे स्थान पर पहुँचा दूंगी जहाँ से आपकी शोध एक भिन्न स्तर पर पहुँच जाएगी और आप सीता माता के और समीप पहुँच जाएंगे। हमारा मार्गदर्शन कीजिए माता, हम प्रस्तुत हैं। ठीक है, आप सभी अपने नेत्र बंद कर लीजिए। जो आज्ञा माता। माता स्वयं प्रभा ने हमें कहां पहुंचा दिया? इसके आगे तो कोई मार्ग ही नहीं है। यहां तो मात्र अनंत सागर और उसका अथाह जल है। अब हम प्रभु का कार्य कैसे पूर्ण करेंगे? अब तो अधिक समय भी शेष नहीं है। माता स्वयं प्रभा ने हमें यहां भेजा। प्रतीत होता है कि उन तक पहुंचने के लिए हमें इस सागर को पार करना होगा। हम आप और कुछ वानर मित्र भले ही इस समुद्र को पार करने में सक्षम हो हनुमान जी, किंतु हमें शेष वानर मित्रों के लिए भी कोई उपाय सोचना होगा। इतने सारे स्वस्थ वानर एक साथ, आहा, इतना भरपूर आहार भेजकर इस आहत पक्षी पर बहुत बड़ी कृपा की है कृपा निधान ने। बिना सोचे विचारे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, अन्यथा बुरा परिणाम भुगतना पड़ सकता है।